गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों, मैं अनुदेश मोहन सिंह यादव। आज मैं आप लोगों को सीट माप और सीट का प्रकार एवं सीट का थिकनेस जांचना बताऊंगा। जो एक सूची के माध्यम से लिख करके बताऊंगा जो आपको दिख रहा है। जैसे सीट का थिकनेस जांचना है तो हम लिखा हुआ देखेंगे और हमारा बोला हुआ वर्ड को समझेंगे। 18 गेज का सीट है और इंच में उसका थिकनेस क्या होता है तो देख लीजिए, 0.048 इंच में है और यही थिकनेस जो 18 गेज की सीट का थिकनेस मिलीमीटर यानी मिमी में है, जो 1.22 है। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट भी देखते हैं। जो 19 गेज का सीट है उसका इंच में थिकनेस 0.040 और 19 गेज के सीट का थिकनेस मिमी में यानी मिलीमीटर में 1.02 होता है। आगे बताते हैं, जिस प्रकार 20 गेज के सीट का थिकनेस इंच में 0.06 होता है और आगे देख लेंगे नेक्स्ट में, 21 गेज के सीट का थिकनेस इंच में 0.032 और यह मिलीमीटर में 0.81 है। आगे देखते हैं, 22 गेज के सीट का थिकनेस इंच में 0.28 और यही मिलीमीटर में हमारा 0.71 है। आगे देखते हैं, 23 गेज के सीट का इंच में थिकनेस 0.024 और 23 गेज सीट का मिलीमीटर में थिकनेस 0.61 है। जैसे आगे 24 गेज के सीट का थिकनेस इंचेस में 0.022 है और मिलीमीटर में 0.56 है। आगे 25 गेज के सीट का इंचेस में थिकनेस 0.020 और यही थिकनेस मिलीमीटर में 0.51 है। आगे भी देखते हैं, छब्बीस गेज के सीट का इंच में थिकनेस 0.018 है और मिलीमीटर में 0.46 है। 27 गेज के सीट का थिकनेस 0.0164 है और यही थिकनेस जो है मिलीमीटर में 0.042 है। आगे देखते हैं, 28 गेज के सीट का थिकनेस इंचेस में 0.0148 है और यही थिकनेस जो है मिलीमीटर में 0.38 है। जो 29 गेज के सीट का थिकनेस 0.0136 है और 29 गेज के ही सीट का थिकनेस मिलीमीटर में
0.34 है। आगे देखते हैं 30 गेज के सीट का थिकनेस 0.0124 और 30 गेज के सीट का मिलीमीटर में थिकनेस जो है मोटाई 0.31 है। ये तो दोस्तों सीट का थिकनेस है मिलीमीटर और इंच में जो हमने बताया अभी। अब सीट को चेक करने का जो भी एक गेज होता है उसको नीचे मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखें। वायर गेज चादर की मोटाई, वायर गेज चादर की मोटाई मापी जाती है। वायर गेज से चादर की मोटाई मापी जाती है। वायर गेज का नंबर जितना कम हो चादर की मोटाई उतना ही अधिक होगी, मोटाई अधिक होगी। नंबर जितना अधिक होगा चादर की मोटाई पतला होगी। जैसे 0 नंबर अधिक मोटाई, 30 नंबर सबसे कम होता है मोटाई। जैसे हमने आगे ही बताया कि सीट का प्रकार भी बताना है, तो सीट का परिचय। सीट का परिचय विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में तथा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने में शीट मेटल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू वस्तुओं तथा इंजीनियरिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे शीट मेटल से बनी वस्तुएं, घरेलू बर्तन, बक्से, संदूक, साबुनदानी, डिब्बे, बाल्टी, गार्ड्स, पाइप लैंप, लालटेन तथा अलमारी आदि शीट मेटल से बनाई जाती हैं। स्कूटर, कार, बस एवं जहाज हेलीकॉप्टर आदि की बॉडी बनाई जाती है शीट मेटल से बनाई जाती है। आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे शीट मेटल का प्रकार, टाइप्स ऑफ शीट मेटल, कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की
सीटों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। जैसे काली लोहे की सीट, सीट मेटल कार्य में पिटवा लोहे यानी रफ आयरन, मृदुल इस्पात की बनी काली रंग की सीट चादर का अधिक प्रयोग होता है। कोई पेंट न होने के कारण ये वायुमंडल से प्रभावित होती है, जिनका उपयोग साधारणतः स्टोपों, पाइपों, बक्सों तथा टंकी आदि के बनाने में किया जाता है। सीट अधिकतर रोल के रूप में पाई जाती है तथा बाद में माप से सीट्स काटी जाती है। ये अधिकतर 3 मीटर × 1 मीटर, 2.5 मीटर × 1.5 मीटर माप में काटी जाती है। आगे देखिए, जस्तेदार लोहे की चादर। माइल्ड स्टील को पिघले हुए जिंक में डुबोकर निकाल लिया जाता है, जिससे उन पर जिंक की पतली परत चढ़ जाती है। इस प्रकार की जिंक लेपित चादरों को GI सीट कहते हैं। आगे है टिन लेपित चादरें। लोहे की पतली चादर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उन पर शुद्ध टिन की पतली परत पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह जंग रोधी बन जाता है। ये चादर देखने में चांदी जैसा सफ़ेद व चमकदार या चमकीला होती है। छोटे डिब्बे, लैंप, लालटेन आदि इसी चादरों से बनाए जाते हैं। जैसे अब ताबे की चादरें लाल रंग की मजबूत, मुलायम तथा मैलिएबल होती हैं। इस चादर को कोई भी आकार दिया जा सकता है। ताबा पर निकल, टिन व क्रोमियम की पतली सी भी की जाती है, पॉलिश भी की जाती है। इन चादरों को सोल्डरिंग द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे अब नीचे देखते हैं पीतल की चादरें। ताबे का सबसे प्रसिद्ध इलाज पीतल का है, जिसमें कापर और जिंक होते हैं। ये चादर पीले रंग की होती है। पीतल की चादरों से बनी वस्तु पर निकल व क्रोमियम प्लेटिंग की जा सकती है। ब्रेजिंग व सोल्डरिंग करके आसानी से जोड़ा जा सकता है। एल्युमिनियम की चादरें। एल्युमिनियम की चादरें हल्की, मजबूत, मुलायम होती हैं। इसके प्रयोग का मुख्य कारण है इन्हें किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। इनके अधिकतर प्रयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है।
घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं। हवाई जहाज की बाड़ी व नाव के अस्तर के लिए चादर प्रयोग है। वायु निर्माण एवं यातायात उद्योग यातायात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जंगरोधी इस्पात की चादरें, ये अलॉय स्टील की चादरें होती हैं जो बिना किसी पेंट के ही कोरोजन तथा वायुमंडल के प्रभाव का प्रतिरोध करती हैं। ये चादर सफ़ेद, चमकदार, मजबूत व कठोर होती हैं। प्रेस कार्य किया जा सकता है। इसका उपयोग रसोई बर्तन, डॉक्टरी टूल्स, चाकू, कैंची व वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के उपकरण आदि बनाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले औजार, कटिंग औजार, मार्किंग औजार और मापी औजार, चोट मारने वाला औजार और सहारा देने वाला औजार। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। शायद हमको बहुत आशा होगा कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया हूँ आप लोगों को बहुत सही से समझ में आया होगा। और मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।